ऐसा नहीं करना कभी भी है ना हाजी की बदवा में लेना, ऐसा नहीं करना कभी भी है ना हाजी की बदवा में लेना। ನಮ್ಮ ರೋಷಬೇಗ್ ಸಾಹೇಬ್ ಇದ್ರು, ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹೊಸಪಣ್ಣಗಳಿಗೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಕ್ಯೂಲ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡವಳಿಕೆನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲಿಂದ ಜನಗಳಿಗಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರಿಂದ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ। एंशिएंट टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है, मैं इब्राहिम आपके साथ। शहर बेंगलुरु के हज कैंप में आज फिर से हुआ एक बड़ा हंगामा। जहां दोस्तों हज कैंप जो है कल आखिरी था, कल के दिन जो है पूरे बसें निकल गई थी क्योंकि आज सुबह 5:30 बजे की जो है आखिरी फ्लाइट थी, तो आज हज कैंप पूरा ख़त्म हो चुका है। लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत से हाजियाँ जो है रुके हुए हैं क्योंकि उनके फ़्लाइट्स जो है डिले हो चुके हैं। फ़्लाइट्स डिले होना मतलब उनके फ़्लाइट जो है, समझो फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़्लाइट जो 450 की कैपेसिटी की थी, उस फ्लाइट में से जो है एक ऐसी फ़्लाइट आई थी जिसमें सिर्फ 400 लोगों को जो है भर्ती किया जा सकता था, तो 50 लोगों को जो है उनको डिले कर दिया था, मतलब उनको पोस्टपोन कर दिया था। तो इसी तरह से तकरीबन 3-4 फ़्लाइटों में से जो है पैसेंजर्स को यहाँ पर रोक लिया गया था। तो हाजियों की ये नाराज़गी थी कि जिस तरह से आप हमें रोक रहे हो, आप एक फ़्लाइट को बुक करो जिसमें हम सबको आप जिसको रुकाया है उनको भेज दो, और जो स्केड्यूल फ़्लाइट है उन पूरी फ़्लाइट वालों को एक दूसरे दिन में भेज दो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है 12 तारीख से 13 तारीख से 14 तारीख से हाजियाँ जो है रुके हुए हैं, जो आज बहुत नाराज़ होकर जो है गुस्से में आ गए। और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसे हाजियाँ हैं जिसने आज फिर से दोबारा जो है जिसने आज पीछे फिर से जो है अतीत को याद किया है। जहाँ दोस्तों आज हाजियों ने जो है आर रोशन बेग को याद किया और कहा कि जिस वक्त से रोशन बेग ने हज कमेटी का सिलसिला संभाला था उस वक्त एक भी दिन ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। तकरीबन 4 से 5 लोगों ने जो है इस बात का जिक्र उठाया कि जब से रोशन बेग यहाँ पर मेंटेन कर रहे थे हमें कभी किसी की तरह की प्रॉब्लम सुनाई नहीं दी या देखने को मिली, लेकिन जब आज हम खुद हज के लिए जा रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इतनी बेदर्दी से बेरहमी से हमें ट्रीट किया जा रहा है। 4 से 5 दिन हो गए हमारी फ़्लाइट शेड्यूल होकर, हमें एक तो यहाँ पर डिले किया, हमें यहाँ पर रुकाया गया और हमें बराबर से रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर खाने की तकलीफ़ है, बाथरूम जाने की तकलीफ़ है, पानी पीने की तकलीफ़ है और हमारी तकलीफ़ें सुनने वाला कोई नहीं है। जब भी हम किसी को अप्रोच करते हैं किसी भी बात करने के लिए तो वो हमें 5 मिनट रुकिए, 10 मिनट रुकिए बोल के बताता रहता है, कोई बराबर से रिस्पॉन्ड करने वाला नहीं है। बहरहाल आज हम जैसे ही हमें एक फ़ोन आया कि यहाँ पर जो है हाजियों ने फिर से हंगामा मचा दिया है, हम यहाँ पर देखने के लिए आए थे तो हमने देखा कि बहुत से हाजियाँ जो है परेशान थे। बहरहाल आज फिर से जो हाजियों को टिकाया गया था उनको 18 तारीख और 22 तारीख की जो है फ़्लाइटें दी गई है, मतलब तकरीबन 100 हाजी जो है 18 तारीख की फ़्लाइट में जाएंगे और 100 हाजी जो है 22 तारीख की फ़्लाइट में जाएंगे, जिसका कन्फर्मेशन इन्होंने आज दिया है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ हाजियों से और देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। अपना फ्लाइट 14 तारीख आफ्टरनून 3:35 का था फ्लाइट, अब नॉट बुक रख दाले उन्होंने पहले हमने पर्ची दिए थे, फ्लाइट नंबर B6 सीट नंबर 164-165 को दिए थे। ओके लेकिन RTPCR होने के बाद उन्हें एंटर करना कहते हैं, एंटर करें सका वो क्या करेंगे क्या नहीं मान लें, अब तक मुझे कई कुवास से भेल लाने कहते सर, रीजन भी बोले नहीं उन्होंने अब तक। ठीक है, अब कब का हुआ फ्लाइट आपका? आपका 18 का फिक्स करें, वो अब फिर 18 तारीख को जाओगे आप? हाँ ठीक है, कहाँ से हो आप? हमें AP आंध्र प्रदेश से, अनंतपुर जिला से। मेरा है ना 12 को बुकिंग हुआ था, 15 को था। ओके तो 15 के दिन आज नहीं भेजे आपको? नहीं भेजे। क्या बोले? अरे विवाइटिंग बोल को क्या करे, तुम्हारा ये छोपा नहीं जी क्या टिकट बुक की छोपा नहीं करके बोला रहे, बड़ा बेजार हुआ। अब क्या बोले लास्ट में? अब बोले ना कर को दिया ना, आज कर को दिया, अब 18 को भेज दीजिए।
18 तारीख को 17 को सुबह को ही ना शायद ठीक है थोड़ा सा करे थे ओके और दूसरे से करको अब ये हिसाब करे हमारे से बाद में आने लगे के चले गए पूरा हुजूमता है सब खुशियाँ मनाते थे हम भी खुशियाँ मनाए हमें भी जाएंगे रोने का वक्त आ गया समझो हमारे पूरा भी हर तरह समझे मेहनत समझे हर बात में हमें सही थे हमने भेजे भी हमारे बहुत बड़ी गलती की हमारे ऊपर ऐसा नहीं करना कभी भी है ना आदमी की बदुआ नहीं लेना ठीक है शुक्रिया रोने का वक्त आ गया समझो हमारे पूरा भी हर तरह समझे मेहनत समझे हर बात में हमें सही थे हमने भेजे भी हमारे बहुत बड़ी गलती की हमारे ऊपर ऐसा नहीं करना कभी भी है ना आदमी की बदुआ नहीं लेना ठीक है शुक्रिया सही पहले कब थी हमारा जो फ्लाइट थी वो 15 तारीख को 4:40 में थी 15 तारीख को बेगिन जावा 4:40 इत मत नमें ना डिसंबरल हाकित वेटिंग लिस्टल अदान कन्फर्म आगे ना 30 तारीख 5 तिंगली दुड्डु अर्ध भाग कटो इन पुनः 4 तारीख 6 तिंगली ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ 421,167 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ತಲೆಗೆ 3 ಜನ ಇದ್ದೋ ನಾವು ಹಾಜಿಗಳು ಹಜ್ಗೋಗೋ ಯಾತ್ರೆಗೆ 1,63,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಹಣನ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈ ಇಡೀ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಇಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಸಮಿ ದೊಡ್ಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಈ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ BJP ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ರೋಷನ್ಬೇಗ್ ಸಾಹೇಬರು ಇದ್ದರು ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಹೊಸಪಂಡಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಕ್ಯೂಲ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡವಳಿಕೆನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಕಿಂತ ಜನಗಳಿಗೆಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರಿಂದ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ ಇವರು ಇವತ್ತು ಕೂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು ನಾವು ನೀವು 12 ಗಂಟೆಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಬರೀ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲು ಏನು ಬಿಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗು ಫ್ಲೈಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಲಿಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಿದೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬರೀ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಇವರು 4 ಗಂಟೆ ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ 1 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು 4 ಗಂಟೆ ಇವರು ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇವರಲ್ಲಿ ಲಗೇಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇವರಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಕ್ಯೂಲ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಿಲ್ಲು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬಿಲ್ ತಗೊಂಡು ನಂತರ ಲಗೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ನನಗೆ 2-2.5 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾರದ್ದು ದುಡ್ಡು ನಾವು ಕಟ್ಟಿರೋ ಸ್ವಾಮಿ ದುಡ್ಡು 4,21,167 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ತಲೆಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾರು ಬೇರೆಯವ್ರ ದುಡ್ಡಲ್ಲ ಆಮೇಕಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇತ್ತು ಈ ಸರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಮಹಾ ಏನಂತ ನಾವು ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಜಮೀರಣ್ಣ ಇದ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ಸರಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇವರು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಮೀರಣ್ಣ ಇದ್ರೆ ಈ ಒಬ್ಬ ಬಡವನ ಯಾರ ಒಬ್ಬ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಹಂಚ್ತಾರೆ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರನ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್